नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है एएसडी एंड बीएसडी। एएसडी का फुल फॉर्म होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और बीएसडी का फुल फॉर्म होता है वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। तो जो एएसडी है वो मेनली है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो ओपनिंग होती है, जनरली ये नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। और बी एस डी होती है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ओपनिंग, जो कि एक डिफेक्ट है, जनरली हार्ट में ये नहीं पाया जाता है, तो इसको कहते हैं वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट। तो ये सेपरेट भी हो सकते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और केवल वेंट्रल वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, और ये साथ में भी हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ए बी एस डी। तो वो होता है एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, उसमें दोनों ही जगह एबनॉर्मल ओपनिंग पाई जाती है। तो इनसे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बी एस डी स्टैंड फॉर? तो बी एस डी का फुल फॉर्म है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली अकरिंग कंजेनाइटल कार्डियक एनोमेली की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो है वी एस डी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बीएसडी? क्या है जो मेनली बीएसडी पाई जाती है, मोस्ट कॉमन, वो है पेरी मेम्ब्रेनस बीएसडी। फोर्थ क्वेश्चन है, विच डायरेक्शन इज शंट फ्लो नॉर्मली? एएसडी और बीएसडी दोनों में ही जो शंट होता है मेनली लेफ्ट टू राइट फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू लार्ज डिफेक्ट्स विद राइट टू लेफ्ट शंट लीड टू? यदि ये डिफेक्ट ही लार्ज ओपनिंग हो जाए इनकी, तो ये राइट टू लेफ्ट शंट में कन्वर्ट हो जाता है, और तब ये कन्वर्ट होता है सैन मेंजर्स सिंड्रोम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए एस डी स्टैंड फॉर? तो इसका आंसर होगा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। सेवन क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ए एस डी कौन सी होती है? तो इसका आंसर होगा सेप्टम सेकंडम, जो है वो मोस्ट कॉमन ए एस डी है। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ए एस डी मर्मर? ए एस डी जो मर्मर होती है स्पेसिफिक, वो कौन सी होती है? तो वो है सिस्टोलिक विद ए फिक्स्ड स्प्लिट एस टू, ये इसके लिए ए एस डी मर्मर स्पेसिफिक है। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मर्मर इन ए बी एस डी? तो बी एस डी के लिए स्पेसिफिक मर्मर है होलो सिस्टोलिक मर्मर। टेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज ए ट्रीटमेंट ऑफ ई एस डी? तो ए एस डी के लिए ट्रीटमेंट क्या होगा? उसका आंसर होगा परक्यूटेनियस ट्रांस कैथेटर डिवाइस क्लोजर, ये होगा इसके लिए ट्रीटमेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट ऑफ बी एस डी एज एट इंक्रीज रिस्क फॉर? बी एस डी के पेशेंट को आगे चलकर क्या होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? तो उसका आंसर होगा एंडोकार्डाइटिस। तो ये ए एस डी एंड बी एस डी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स थे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।